सुर ही ना मिले जिससे, वो साज बदल डालो, जो राज न रख पाए वो हमराज बदल डालो, दुश्मन के इरादों को अगर करना है नाकाम तुम चाल वही चलो, अंदाज बदल डालो, ऐसा करो हिम्मत कुछ दूर सवेरा है, अगर चाहते हो मंजिल तो परवाज बदल डालो। एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे वो साथी भी नहीं डरे हैं जो अभी फिलहाल जेल में हैं। अगर आपको देखना है तो कल कोर्ट आ जाइएगा, कल कोर्ट में सब मिलेंगे आपको, कल का डुमा कोर्ट में। तो बहरहाल हमारा कोई भी साथी नहीं डरा है और हम लोग विक्टिम नहीं हैं, हम लोग लड़ रहे थे और लड़ेंगे, अपनी आइडियाज से लड़ेंगे, अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए लड़ेंगे और हमेशा लड़ते रहेंगे। एक शेर है कि सुर ही ना मिले जिससे, वो साज बदल डालो, जो राज न रख पाए वो हमराज बदल डालो, दुश्मन के इरादों को अगर करना है नाकाम तुम चाल वही चलो, अंदाज बदल डालो, ऐसा करो हिम्मत कुछ दूर सवेरा है, अगर चाहते हो मंजिल तो परवाज बदल डालो। जरूरत है कि आज हम लोग एक साथ बैठे हैं, कहा जा रहा है कि कोई पॉलिटिकल बातचीत नहीं होगी, कोई रिलीजन किसी तरह का कोई जो है वो सेंटिमेंट नहीं रहेगा अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है। मैं एक देखना चाहूंगा कि हमारे तमाम लोग यहाँ पे जो है वो पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं और दाढ़ी टोपी भी है, तो यानी रिलीजन से भी कहीं ना कहीं ताल्लुक है और तमाम लोगों का ताल्लुक रिलीजन से है। अगर हम लड़ाई लड़ते हैं, अगर आज मुसलमानों को मारा जा रहा है तो सिर्फ इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। तो हमें बात करनी होगी मुसलमानों की, हमें इस बात को कहना होगा, एक्सेप्ट करना होगा कि आज हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे ज्यादा जुल्म और ज्यादती हो रही है तो वो मुसलमानों के साथ हो रही है। अगर आप खामोश रहेंगे तो यकीनन आप कहीं ना कहीं दबाए जाएंगे। हम लोग एज ए स्टूडेंट इस बात को कहने की कोशिश की कि हम लोग डरेंगे नहीं, हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे और उसी जामिया मिल्लिया इस्लामिया की सरजमीन से जहां खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ था, उसी सरजमीन से एक ऐसी आवाज बुलंद हुई जिसमें हमारी सबसे आगे माएं और बहनें पढ़कर आई और शाहीन बाग का क्याम किया और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन बाग इतना कामयाब हुआ कि हिंदुस्तान नहीं बल्कि बैन-उल-अक़वामी सतह पे आज भी शाहीन बाग का नाम लिया जा रहा है। तो जरूरत है कि जब आप तमाम लोगों को ट्रिपल तलाक से प्रॉब्लम है, जरूरत है जब आप तमाम लोगों को लव जिहाद से दिक्कत है, जब आप तमाम लोगों को जो है मुसलमानों को मुसलमानों के मॉब लिंचिंग से दिक्कत है, तो यकीनन आप तमाम लोग इसी दर्द के साथ बैठे हैं यहाँ क्योंकि आज आप लोगों को दिक्कत है। फिर आप ये कहेंगे कि नहीं नहीं हम यहाँ पे मैं मुसलमान जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की काम करेंगे। मैं ये कहता हूँ कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, मुसलमानों के ऊपर इतना बर्डन है कि वो अपने आप को जो मॉब लिंचिंग हो रहा है उनसे रोके, वो अपने आप को जो जिन बहनों के हुकूक को पामाल किया जा रहा है उनके हुकूक को दिलाने की काम करे। हमारा काम कॉन्स्टिट्यूशन बचाना नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन तब बचाएंगे जब हमारे साथ हमारे वो तमाम लोग आएंगे जिन तमाम लोगों की जिम्मेदारी है, जो तमाम लोग इस हिंदुस्तान में रह रहे हैं, वो तमाम मजहब के मानने वाले लोग अगर इस हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो साथ मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बचाएंगे। अगर मुसलमानों को मारा जाएगा तो पहले मुसलमानों को बचाने की कोशिश करेंगे, बाद में कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि